अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है मुहर्रम का 10वां रोज़ा, अशूरा का 10वां रोज़ा। और बस अभी मैंने ताजुब वगैरह सब पढ़ ली हूँ, पढ़ाई वगैरह भी हो गई है। और अभी थोड़ी देर में हम लोग सहरी करने जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे सब शरबत बना रहे हैं। तो मैंने मोहम्मद अली से बोला था कि मुझे क्लिप लेके दे देना। तो आइए मैं से पूछती हूँ कि क्लिप लिया कि नहीं। और आप लोग भी देखिए, लोग सब पैसे, सब बच्चे लोग सब मिलके बड़े भी कैसे शरबत बना रहे हैं। आइए मैं से आगे का काम जैसे चालू करते हैं। हमें हमारे घर में तो आपको बताई हूँ जैसे कि माहीन में और अफशा रोज़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बनाने के लिए बिरयानी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने बिरयानी का सब चीज़ रेडी करके रखे है। बोले आप लोग को भी शेयर कर देते कि हम लोग कैसी बिरयानी बना रहे। सब अलग अलग तरीके की बिरयानी होती है। तो ये हम लोग बना रहे हैं दम बिरयानी। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यूट्यूब से भी सीखा है। हम लोग को ऐसे है कि बहुत अलग अलग किस्म किस्म की बिरयानी होते हैं। तो आज सोचे दम बिरयानी बनाए, तो ये थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लिए कि कैसी बनाने की है। अब जा रहे बनाने के लिए, कहीं आप लोग को भी दिखाएंगे ना। हमने तो देखे देखे आप लोग को भी दिखाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या रेडी कर दिया। ये देखिए, ये सब रेडी करे। अब जब बनाएंगे ना तो आपको सब पूरा अच्छे से बता देंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या डाल रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे। तो आप लोग भी देखिए, ये बहुत अच्छी है बिरयानी दिखने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मेरे को यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जो तपेला होता है बनाने का वो निकालना है, क्योंकि सबसे बड़े बड़े जो तपेले होते हैं वो ऊपर रखते हैं ना। तो चलो माहीन हेल्प मी, चलो चलते हैं फिर स्टार्ट। बिरयानी पुलाव बनाना होता है ऐसे चल के पैसे निकालना पड़ता है। डिग पता निकल बंद की तेल अल्लाह, और ये भी लगेगा छन्नी हवा। छन्नी हवा, हाँ छन्नी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 1 किलो राइस, और उसको अच्छी तरह से धो के भिगो के भिगोने के लिए रख दी हूँ। और मेरे माहिन हाथ से माहिन ने मोबाइल ले लिए, बाकी शायद ये कंटिन्यू करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 4 बड़े मीडियम कांदा, और यहाँ पे है 6 मिर्च। हम यहाँ आते हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 5 चम्मच, 5 अच्छे से बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हाँ बोलते आ गई है मेरे को शूट करते करते। यहाँ पे लिया है जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच है ये हमारा गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी की पाउडर, और ये तो 3 चम्मच रेड चिली मिर्च, और 3 चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया है ये दही, दही को अच्छी तरह 1.5 किलो दही है ये, और इसको अच्छी तरह से फेंटना भी हम लोग इसको और फेंटेंगे, इसको जितना हो सके अच्छे से फेंटो, क्योंकि देखो ये फट जाता है ना थोड़ा थोड़ा ऐसा अच्छी लम्स निकलेंगे, तो इसको फेंटो। और फिर आते हैं यहाँ पर, हमने ये लिया है कोथमीर, तो कोथमीर तो आप अपने हिसाब से डालिए। और यहाँ पे लिया है 4 टमाटर। तो अभी इसके बाद, और यहाँ पे साइड बाय साइड में हमारा यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग आज बना रहे हैं खीरकुमा। क्योंकि और लोग सिर्फ सोच रहे थे कि हम खीर बनाएं कि खीरकुमा बनाएं, तो अभी फिलहाल हमने दूध को बॉयल करने रख दिया, इसमें शक्कर भी डाल दी। आगे देखते हैं ये बॉयल होने के बाद में क्या करना है। और ये हमारी यहाँ पे हो रही है प्याज लाल, प्याज लाल होते थे तो कब से खड़े हुए थे, तो हम लोग बोले यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा था, हम दूसरे काम में लग गए थे, चलो जब तक प्याज ला दूँ। बोलते जब तक खड़े रहेंगे तभी कभी दूध नहीं आएगा, और 2 मिनट के लिए नहाते ना तो अच्छा हो के बच गया, फट से मैं आ गए देखूँ।
चलो ठीक है, अभी हम बढ़ते आगे। ये हो गए हमारी प्याज दाल और हमने थोड़ी सी प्याज इसमें से निकाल दी है और थोड़ी निकाल दी, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे कच्ची महक जाने तक, जो उसकी महक जाने तक। उसके बाद में इसमें डालेंगे हम चिकन, फिर आज तो हम उसको महक जाने देंगे। तो पानी की बोतल ऊपर से और लेकर आए, इसमें डाल रहे हैं इसके अंदर चिकन। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि वो जो अभी ये कलर जैसे कि वाइट है, तो अच्छे से उसके अंदर मसाला पूरा चले जाना चाहिए जब तक आपको भूनना है। अब इसको अच्छे से भूनने के लिए रख दो, मिक्स करो और हाई फ्लेम पे ही रखना ताकि पूरा कलर चेंज हो जाए। जितने भी हमारे ये मसाले थे हम सबको उसको डालना है उसके अंदर। देखिए आप देखिए कि पूरा कलर कैसे चेंज हो गया है। एक साथ ही डाल दे पूरा, हाँ पूरा एक साथ डाल देना। वाओ द प्रोफेशनली यू आर डूइंग माही, थैंक यू। और अच्छे से मसाले को भूनना है। ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मिक्स कर चलो हम मिक्स करते हैं। देखो हमारे अच्छे तरीके से सॉल्ट को ऐड करना, अभी डालना है ना सॉल्ट। सॉल्ट में डालेंगे तो फिर चिकन स्वाद ही नहीं रहेगा। हमने मिक्स कर दिया, अभी हमको इसमें डालना है नमक। नमक 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 आजा, नमक आजा, आ गया। हमें अभी हम लोग को सिर्फ चिकन के हिसाब से ही नमक डालना है, तो चावल बॉईल करेंगे ना तब डालना रहेगा नमक, तो थोड़ा ही नमक डालना। अच्छी खुशबू आ रही है, सॉरी सॉरी हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, बट खुशबू आप लोगों को एक वो एहसास दिलाने के लिए कि हाँ अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। कोयला तो आया ही नहीं, नहीं कोयला कोयला वाली नहीं है, टिक्का नहीं है, दम बिरयानी दमा दम मत कर लेना। उड़ भी जाए। See you later, alligator. तक ये होता है उसको थोड़ा सा दम पे बाद में टमाटर डालना है, क्योंकि थोड़ा सा उसका मसाले में भी पानी अब्जॉर्ब करना होना है। तब तो हम थोड़ा सा सफाई करके वापस आते हैं इधर, और ये दूध भी हमारे बॉयल हो चुका है तो आगे अब इसमें डालना है काजू पिस्ता। चला 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 चला। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और कोथमीर। कलर तो देखो कितना मस्त आया है ना? Yes. माशाल्लाह, हवा बहुत जोर से आ रही है। ए हवा रुक जा, क्या किए यहाँ पे, क्या किए यहाँ पे, गुड़ा जी उड़ता ही है वो। किचन पूरा लगना चाहिए ना हमने खाना पकाए, सा लग रहा है कितनी ताकत लग रही है इनको। वही तो, यहाँ ला बेटा। अभी हम डालेंगे इसमें पुदीना और नींबू, और हम डालेंगे अब इसमें दही। तो दही के लिए हमको गैस को बंद कर देना है, गैस को बंद करके ही आप इसमें दही डालें, क्योंकि फिर दही जो है वो गर्म की वजह से फट जाता है। अभी हम डालेंगे दही, ये मैंने लिया है 1/2 किलो दही, और उसको गैस बंद करके ही भूनेंगे ताकि वो दही फटे। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए चावल, और मैंने इसमें डाला है नमक, जैसे नमक हम डालते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कि ताकि वो पानी से निकल जाए, आप तो पता होगा बिरयानी का। और फिर मैंने इसमें डाला है यहाँ पे ये सिनेमन और फूल और 4-5 लौंग,
और आपको इसमें इलायची भी डालना है। मैंने इलायची नहीं डाला, मैं इलायची डाल रही हूँ अभी। और यहाँ पे हमारे ये मसाला पक चुका है अच्छे से, तो जब ये चावल हो जाएंगे हम डाल देंगे। और मेरा ये यहाँ पर शिरकुरमा भी हो गया है रेडी। तो यहाँ पे हो गई है मेरी बिरयानी रेडी, और ये देखिए खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें से निकालेंगे थोड़ी बिरयानी। सुबह में मेरा सारा काम हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और ये मेरा है आज का आउटफिट, ये मैं अभी पहनने जा रही हूँ। और इसके बाद फिर हम जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, फिर जाएंगे हम अदनान को देखने के लिए। तो फिर हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में अदनान को देखने के लिए, और जैन जा रहे हैं अपने काम पर। तो मैं माहिना और रक्षा हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल देखने के लिए, क्योंकि वैसे भी बोलते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, जाके जो बीमार है उनको जाके देखना चाहिए। तो वैसे भी हम लोग अदनान को देखने जा रहे हैं। क्या कौन अच्छा है? मेरा बेटा अच्छा है। तो चलो हम लोग चलते हैं। अब बहू क्या होते हैं, बाय। चलो चलते जल्दी से, फिर आने के बाद हम लोग को असर की नमाज का टाइम हो जाएगा, तो आगे से दुआएं करनी। तो देखो आप, ये जो विंडो है, ये जो देख है पूरा ये विंडो, यहाँ पे अदनान को लग गया था, यहाँ से वो स्लिप हो गया था, उसको लग गया था। तो सोचो ये विंडो की ये कांच है, उसको लग गई यहाँ पर, और ये भी कांच यहाँ से लग के उसकी जो नस है वो फट गई थी अंदर ही। तो सोचो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसको कितनी मतलब वो कैसे बर्दाश्त किया होगा। तो इसके लिए मैं इसलिए ये बोलना चाहती हूँ कि वो कैसे बच्चे ने बर्दाश्त किया होगा उस टाइम पे। तो आप लोग को उसके लिए दुआ करो कि जल्दी से रिकवर हो जाए। वैसे डॉक्टर ने बोला 3 महीने तो लगेगा, क्योंकि 3 नर्व्स उसकी कट गई है ना। तो सोचो ये पूरा मतलब एक बोलते ना रैंडमली ऐसा हो गया है, वो उसका कट गया उस टाइम का माहौल बोलते ना, ऐसे नर्व्स हाथ पकड़ लिए थे, पूरा खून ब्लड एकदम जा रहा था, उस रुक ही नहीं रहा था, सब कसम वो रोना धोना चल रहा था, तकलीफ हो रही थी इसकी माँ से ज़्यादा, उसकी माँ उसको माँ के दिल पे क्या बीत रही होंगी। तो बस ये आपसे दुआ है, आज के दिन के लिए भी दुआ करो, रोज़ उसके लिए दुआ करो कि जल्द से जल्द अच्छा हो जाए बच्चा और घर पे आ जाए हॉस्पिटल में ही अभी। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं उसको मिलने के लिए ना। तो चलिए आप लोग, और कैसे लग रही है यहाँ पे गार्डन? चलो अदनान कैसा है, कैसा फील कर रहा है? हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करेंगे हम इंशाल्लाह। और सब लोग हमारे व्यूअर भी तेरे लिए दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी चाय पिया उसने, चाय बिस्किट खाया, दवा खाने का खाना। तो दवा हम खाने में यही फीका फीका ही खाना मिलता है, बाकी साइड में देते लोग प्यार से इतना नमक थोड़ा। अच्छा है, हेल्दी है ना पनीर। चल ठीक है, मैं चलती हूँ नीचे। अफशा और माइन खड़े तो तेरे से मिलने के लिए आएंगे। और ये बेचारी माँ दुआ कर याद रखो मेरे अदनान के लिए, सब लोग दुआ करो, उसके पैर लोग, उसकी चाची के सब फ्रेंड्स, इंशाल्लाह सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। चलो उसको भी फ़ोन आ रहा है, मैं चलती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करके, क्योंकि अभी बज गए 5। नहीं 5 बज गए अभी, मैं कोई ना 5 बजे भर दूँगा, फिर वक्त सबमिट करना पड़ेगा। हाँ अभी सबमिट कर देना सब पेपर, ठीक है। चल चल मैं चलती हूँ माँ, चल वहाँ में आ जा। तो हम लोग पहुँच गए अभी घर, और अभी बस असर की नमाज़ पढ़ी और मैंने सब दुआएं जो मांगी है। तो आप लोगों को भी पता है कि सब नबियों के वसीलों से अपने को दुआ मांगना है, जैसे कि आप नूह अलैहि सलाम की कश्ती को पार लगाया था, उनकी अपनी जो कोई भी काम अटकाव है वो उन्हीं के नाम से बोलना है कि अल्लाह ताला जैसे आपने नूह अलैहि सलाम की कश्ती को पार लगाया, वो मेरे भी जो भी काम अटकाव है उसी को मेरे भी पार लगा दे। और ऐसे सब चीज़ है वो आपको बोल बोल के उनके वसीले से दुआएं करना है। और अस्तगफार की तस्बीह सब हमने पढ़ ली है, दरूद शरीफ की तस्बीह सब पढ़ ली है, बस अभी जा रहे रोजे की तैयारी करने के लिए। तो मैं अफशा को दी, यहाँ पे कड़िंगर काटने, अफशा यहाँ पे कड़िंगर काट ले, यहाँ पे इसमें पपैया, इसमें कड़िंगर है ना, यहाँ पे खोल दे, और ये पपैया है, पपैया काटना है, और थाला देते हैं, हाँ छुरी और थाला वो ले ले। ये केला है, और फ्रिज में और क्या क्या है, फ्रिज में शरबत भी है, अनार भी है, एक अनार काफ़ी रहेगा, एक ही अनार काटेंगे, और ये खजूर है। हाँ इसमें का पानी है तो फेंक दे, रुक जा। उसको 2 पीस करना, बड़े बड़े पीस है उसमें से। चल जब तक तो फ्रूट काटते हैं, फिर बाकी की तैयारी करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अद्दान घर पे आ चुका है और इसका बोलते ना बस अल्लाह का खैर है माशाल्लाह। अल्लाह की बहुत बहुत एहसान है अल्लाह का कि मैं अभी शाम को ही मिलकर आया और डिस्चार्ज भी दे रहा, डॉक्टर ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा होगा। तो नाज़मीन बताएंगी कि नाज़मीन बता मेरे को, बता व्यूवर को बता कि कैसे मतलब अदनान मतलब इतने तीन दिन में माशाल्लाह रिकवर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मतलब सूरह मुज़म्मिल माने थे, उसमें इतनी शिफा है, अल्लाह ना करे पर ऐसा कुछ हो हादसा तो आप भी मांगा करो सूरह मुज़म्मिल, हर एक चीज को सूरह, जैसे डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं होगा लेट होगा तो सूरह मुज़म्मिल 41 बार नहीं आ रहा था लेट होगा था, तो हमने सब मांगे तो आधे घंटे में डॉक्टर आ गया सूरह मुज़म्मिल से। बहनों इतनी शिफा है आप, हमारे तो हर चीज के लिए हम तो सूरह मुज़म्मिल हमारे लिए बोलते ना आप लोग क्या विजिट हो, डॉक्टर नहीं आ रहा तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे और क्या नहीं हुआ था आप बोले टाके ज्यादा वो नर्स ज्यादा नहीं करते इसलिए सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे थे। माशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल में बहुत तासीर है, मतलब माशाल्लाह से बोलते मुहर्रम की 10 तारीख के दिन अल्लाह ने सबको हर अपने पैगंबर को शिफा दिया था, हर एक चीज को आसान किया था, आसान किया था मुहर्रम की 10 तारीख को, मेरे बेटे को सबकी दुआ कबूल हुई इसलिए मुहर्रम की 10 तारीख को मेरा बेटा भी मेरे घर आया अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे वही बहुत बड़ी खुशी है कि आखिर के साथ अल्लाह ने अच्छा कर दिया। अभी 3 महीने का बोला है, ये देखो ये लगा है इसका हाथ में, 3 महीने का बोला है अभी बेड रेस्ट और 3 महीने हाथ उसको फिजियोथेरेपी करते रहना है, तो इंशाल्लाह बस दुआ करते रहो। सब लोग आए देखने के लिए, मामी भी आए, सब लोग आए अभी घर पे आ गए ना देखने के लिए, तो सब बैठे यहाँ पे मम्मी नानी सब बैठे देखने, माशाल्लाह जरूर 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 सब दुआ करो, जहाँ आप लोग की सबकी दुआ है माशाल्लाह सबकी दुआ है। फनस ये दीदी फनस खोलो, फनस का पूरा वो है अक्का दो है, एक फनस मेरे के फनस का टुकड़ा इधर, ये किसका है ये फनस, वो दीदी का है वो देने का है, अरे ये फनस है ये फनस, अभी तुम इसको खोलेंगे इसको काटेंगे कैसे, हम भी बोले तेल लगा के काटना, तेल लगाने का थोड़ा रखो जब खुशबू आने लग जाएगी ना तो समझ जाना पक गया, मालूम पड़ा अंदर ही पक गया, तो नहीं नहीं खुशबू आती आती खुशबू कपड़े के बीच में, चिकट चिकट से रहता ना वैसे चिकट चिकट लग रहा है, हाँ चिक चिक लगता ना, चिक चिक लगता, मैं सब इन्होंने बोला मेरे को क्या बोला तेरा एक फनस रखा हुआ, तो मैं फटफट आई यहाँ पे खाने के लिए फनस, पेट में ठंडा लगे आके देखी तो ये फनस ऐसा मिला, तभी इसको निकाल के जाड़ में से, हाँ शबाना की खाला नहीं दीदी की खाला नहीं, हाँ झाड़े ना उन लोग के घर के पास में तो दिए, अभी तुम तुम्हारे प्याले में खाली कर दो ना खीर, नहीं खाली कर दो इसमें डाल दो, इसमें खाली कर दो, तुम ये रखो ये खाली। तो रात में मैंने मेरे ब्लॉग को एंड नहीं की थी क्योंकि बहुत देर हो गई थी, सब बैठे हुए थे, बाद में सब चले गए और हम लोग भी थक गए थे, मैं बोले अब जाने दो सुबह ही एंड करती हूँ, तो फिर मेरे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए, सबके लिए दुआ कीजिए।